चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्या दिया है रे आपको? अ पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट इज अलाउड टू बी इंसिडेंट नॉर्मली। अब नॉर्मली का मतलब गिवन लिखेंगे हम लोग। नॉर्मली का मतलब क्या होता है? नॉर्मली का मतलब होता है 90 डिग्रीज। ठीक है, 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखो, ऑन अ प्लेन ग्रेटिंग हैविंग 4250 लाइंस पर सेंटीमीटर। मतलब कैपिटल एन का वैल्यू दिया है आपको। क्या होता है ये? नंबर ऑफ लाइंस पर ग्रेटिंग। कैपिटल एन मतलब क्या? नंबर ऑफ लाइंस पर ग्रेटिंग इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 4250 लाइंस पर सेंटीमीटर। अब ये क्यों दिया जाता है रे? एन आपको डी निकालने के लिए। तो डी क्या होता है? मतलब समझो, यहाँ पे ये ऐसे नंबर ऑफ लाइंस है, 4250 नंबर ऑफ लाइंस है, और उन दोनों कोई भी दोनों बीच लाइन के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो मैं लिखता हूँ डी इज इक्वल टू 1/n। तो एक्चुअल पर्पस क्या है ये एन देने का? डी की वैल्यू निकालना। तो पुट अप करो 1/4250। ठीक है, ये आएगा आपका डी। इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू कुछ नहीं, कैलसी लेना है, 1/4250। जो भी आंसर आएगा इंजीनियरिंग मोड में जाके लिखना है, 2.35 × 10⁻⁴। अब ये लाइंस पर सेंटीमीटर है तो यूनिट भी इसका आएगा सेंटीमीटर। तो डी का वैल्यू मिल गया। आगे जाएंगे एंड सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रल लाइन। देखो सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रल लाइन दिया है, मतलब ये भी नोट करेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या? स्मॉल एन की वैल्यू दी है आपको, स्मॉल एन इज इक्वल टू सेकेंड मतलब टू। सही है, चलिए। इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज टू बी डेविएटेड थ्रू 30 डिग्रीज। मतलब एंगल थीटा दिया है आपको। कितना दिया है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब देखो पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। अब स्पेक्ट्रल लाइन के वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लिखते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है वो है डी साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन इंटू लैमडा। अब मुझे निकालना क्या है? लैमडा। तो लैमडा को मॉडिफाई करो, लैमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा अपॉन एन। फटाफट से वैल्यू पुट करो, खत्म करो कहानी। डी का वैल्यू कितना दिया है तुमको? दिया मतलब तुमने निकाला है 2.35 × 10⁻⁴। ठीक है, इंटू साइन थीटा मतलब साइन, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 होल डिवाइडेड बाय, बोलो क्या लिखू एन का वैल्यू? एन का वैल्यू है 2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कैलसी लेना है, 2.35 × 10⁻⁴ × sin 30 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज। याद रखो जब भी डिवीजन साइन दोगे आपको ब्रैकेट खोलना है, वैल्यू लिखनी है और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल टू 5875 × 10⁻⁸। क्या मिलेगा वैल्यू? 5875 × 10⁻⁸। यूनिट अब हर जगह पे सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन पूछा क्या था आपको? लैम्बडा। और लैम्बडा को जनरली हम लोग किस में लिखते हैं? 10⁻⁰ में लिखते हैं। 10⁻⁰ मतलब क्या? एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है कि नहीं? 10⁻⁰ मीटर। तो मुझे इस वैल्यू को 10⁻⁰ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इस सेंटीमीटर को मीटर लिखो। सो 5875 इंटू सेंटीमीटर को मीटर लिखने के लिए 10⁻², और ये -8 बन जाएगा -10। ठीक है, मीटर, एक तो मीटर लिखो या तो फिर इसकी जगह पे, एक तो मीटर लिखो या तो इसकी जगह पे डायरेक्टली लैम्बडा इज इक्वल टू 5875 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। ये 10⁻⁰ और मीटर, इन दोनों का मिला के क्या बनता है?
हमने देखा है एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, ये बनेगा एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर।